नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा कि हमारे इस चैनल पर आपको सिखाया जाएगा, रटाया कभी नहीं जाएगा। मैं आपको क्वांटिटी नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको क्वालिटी दूंगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से ही कर पाएंगे। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर रह सकते हैं। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं, सिर्फ रटना चाहते हैं, तो आपको जहां रटाया जा रहा हो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और आप बेसिक से चीज़ें सीखेंगे, जैसे मैंने मैथ सीखा है, मैं उसी तरीके से आपको सिखाऊंगा, मैं रटाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने सीखा है और मुझे पता है आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंट के बारे में, प्रतिशत के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होगा, आप कहीं भी टीचर से पढ़ते होंगे, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने आज तक पढ़ा होगा, तो वहां पे सिर्फ यही बताया गया होगा कि ये हो आपको बताया होगा कि यहाँ ये इस तरीके से हो गया, ये परसेंट बोलते हैं इसको। आपसे यही बताया गया होगा कि ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, इसको परसेंट बोला जाता है। यही बताया गया होगा आपको, कहीं भी आपने पढ़ा होगा अभी तक। ठीक है, आपको यही बताया गया होगा। लेकिन होता क्या है, इस परसेंट का मतलब जो होता है वो 100 होता है, मेनली यही होता है, ये भी आपको पता होगा। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये भी पता होगा कि इसका मतलब ये 100 होता है। बट क्या आपने कभी ये सोचा कि इस 100 को जरूरत क्यों पड़ी, इस परसेंट की जरूरत क्यों पड़ी, भाई ऐसा क्यों किया गया? बस यही बेसिक होता है। अगर ये चीज आज आपने जान लिया तो आपको मैं 100% ये कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको परसेंट के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप खुद से करना शुरू कर देंगे क्वेश्चन। बस आप यहां पर ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। आपको तो टीचर ने ये बता दिया कि यहाँ पर ये इसका मतलब 100% होता है, ये इसका मतलब परसेंट, तो उसका वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये है क्या? आज मैं आपको बताऊंगा ये है क्या, और जो भी डाउट होगा वो सब आज क्लियर हो जाएगा परसेंट के बारे में आपका। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो अपने आप में हमेशा, कोई भी वस्तु लीजिए, एवरीथिंग, वो सभी चीजें 100% अपने आप में होती हैं। अगर एक लैंप है, एक जो टेबल लैंप आप लाते होंगे पढ़ने के लिए, तो उसमें एक बल्ब लगा होता है, एक पूरा जो है स्टैंड होता है, स्विच लगी होती है, तार लगा होता है, तब वो अपने आप में कंप्लीट इतना होता है। ठीक है, कि बल्ब लगा होगा, स्टैंड होगा, वायर होगा, स्विच लगी होगी, ठीक है, और नीचे उसका बेस होगा, तो ये पूरा उसकी जो इतना स्ट्रक्चर तैयार है, मतलब उसको जलने के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, खड़ा करने की जरूरत है उसको, जिस लिए वो बनाया गया है, इतनी चीजों की आवश्यकता है, तभी वो एक लैंप बना हुआ है, वो भी स्टैंड लैंप जो है। ठीक है, टेबल लैंप इसीलिए बना है वो। अब देखिए, अब अगर इस लैंप से बल्ब को निकाल दिया जाए, मैंने अभी बोला था कि कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में 100% होती है, मतलब 100% होती है, जितनी चीजें उसको काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी कि जरूरत है, अगर उसमें उतनी चीजें हैं तो वो 100% है। अगर उसमें से एक भी चीज आपने अलग कर दिया तो वो 100% नहीं रह जाएगी। जैसे मैंने अभी लैंप का आपको उदाहरण दिया, अगर लैंप से आप बल्ब निकाल देते हैं तो अब वो 100% नहीं रहेगी अपने आप में। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए बल्ब लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्विच निकाल दिया, फिर भी वो 100% नहीं रहेगी अपने आप में। यदि आपने उसका तार निकाल दिया तब भी वो 100% नहीं रहेगी। आपको पता है कि इस लैंप को जलाने के लिए इसमें वायर की भी आवश्यकता है, इसमें स्विच की भी आवश्यकता है, इसमें एक बल्ब की भी आवश्यकता है, और इसको खड़ा करने के लिए हमें स्टैंड की भी आवश्यकता है। तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट इसमें है, तभी, अगर ये चीजें हैं तभी ये समझो अपने आप में 100% है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, मान लीजिए एक मेज है। ठीक है, एक मेज है, उस मेज में ये जो है एक
मेरा आर्ट सही नहीं है तो फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो है एक मेज है, ठीक है, ये एक मेज है। इसमें आप देखिए, आपको पता होगा, जनरली आपने जितनी मेज देखो, जनरली आपने जितनी मेजे देखे होंगे अभी तक, उसमें चार पैर होते हैं, ठीक है। ऊपर एक लकड़ी लगी होती है, ये जो है कहीं स्क्वायर भी होती है, कहीं जो है ये आयताकार में होती है, ठीक है। इस पे आप चीजें रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं, जो भी रखना हो, ठीक है। तो आपको पता है कि एक मेज में चार पैर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊपर एक लकड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक है। बाकी उसमें जो भी और चीजें लगती हैं उसकी आवश्यकता होती है। अगर जो है, अगर इस मेज, ये मेज अपने आप में 100% हो गया, अगर इतनी चीजें हैं इसको खड़ा होने के लिए, कोई चीज के ऊपर रखने के लिए अगर सारी चीजें हैं, तो अपने आप में 100% है। अगर इसमें से एक पैर निकाल दिया जाए तो क्या मेज अपने आप में 100% है? नहीं है। तो बस क्वेश्चन में ऐसे ही दिया जाता है, बोलता है एक वस्तु है, उस वस्तु का 39% इतना है, तो इसका 100% कितना होगा, या इसका 43% कितना होगा, 43% कितना होगा, 48% क्या कितना होगा। बस यही चीज है, मेनली यही पूछता है आपसे, जो क्वेश्चन में कहा गया होता है यही। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस यूनिवर्स में कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% होती है। उसका अगर जितनी चीजें उसको ऑपरेट करने के लिए आवश्यकता है, अगर उनमें वो सभी चीजें विद्यमान हैं, तो समझ लीजिए कि वो 100% है। और उसमें से अगर कोई भी चीज निकाल दिया गया और वो अब अपना पूरा काम करने में प्रॉपर कर नहीं पा रहा है, वो चीज जिसमें से वो वस्तु अलग कर दी गई, उसका कुछ पार्ट, तो समझ लीजिए कि वो 100% नहीं है। तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% है। मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मनुष्य है, मानव का जो एक हाथ है, ठीक है, हाथ दो है, लेकिन मैं एक हाथ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाथ को काम करने के लिए 5 उंगलियों की आवश्यकता होती है। अगर 5 उंगली नहीं होगी तो काम नहीं कर पाएंगे आप। अगर इन 5 उंगलियों में से एक भी उंगली इसमें से हटा दी जाए, यानी कि काट दी जाए, समझ लीजिए, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल इसको एज अ स्टडी लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको मान लीजिए, आप एक हाथ है, हाथ से जो है एक उंगली काट के निकाल दी गई, तो आप जो काम करेंगे, क्या हाथ ये पूरा जितना काम कर पाता उतना कर पाएगा? मान लीजिए आपको एक मुठा चावल उठाना, एक मुट्ठी भर चावल उठाना होता, तो जिस जो उंगली है वो उस मान लीजिए आपको एक मुट्ठी चावल उठाना, तो जो एक उंगली नहीं है उस उंगली की जगह का स्पेस तो खाली रह जाएगा ना, उतना चावल। इसका मतलब है कि आपका जो, या किसी का भी जो मनुष्य का हाथ है वो उतना कम चावल उठा पाया ना, यानी कि जितना चावल वो उठा पाता उससे वो कुछ चावल कम उठा पाया, वो एक उंगली ना होने की वजह से कुछ परसेंट हिस्सा नहीं उठा पाया। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो हाथ है वो हाथ 100% नहीं रह गया, उसका एक पार्ट अलग हो गया है, इसलिए वो अपना काम नहीं कर पा रहा है पूरा। तो आशा करता हूं अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ आपको, चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो होता क्या है, जब आपका अगर बेसिक एकदम बढ़िया से आपको आता है तो मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और ऐसा होता है, ये भी आपने देखा होगा और आप भी हो सकता करते हो, जैसे आप किसी भी चैनल पर जाते हैं, एक एक आप क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखा आपने, आगे बढ़ गए आप, ठीक है। नहीं, चीजों को समझने का प्रयास करो, बेसिक जाओ, कोई भी चैनल पर जाइए, टीचर सभी अच्छे होते हैं, सभी अपने आप में अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं भी जाइए, लेकिन आप अपने स्तर से सोचना शुरू करिए कि ये चीज अगर बनी, 100 बनी तो क्यों बनी, ठीक है। बस किसी भी चीज को आप अगर सोचिए तो आपको बस ये आना चाहिए कि ये चीज क्यों आई, ऐसे आपकी चीज आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी, आप जान भी नहीं पाएंगे एक दिन, और आप मास्टर बन जाएंगे एक दिन। ये आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, जैसे मान लीजिए 5% लिखा हुआ है, ये 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 5 तो ये है, 5 के नीचे आप 100, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका तरीका हो गया लिखने का। एक तरीका और देख लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए ये 5% है, ठीक है,
अब इसको एक तरीके से तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने आपको रेशियो बताया था, अगर आप चाहें तो इसको रेशियो के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीज जो है आपका, जो ये रेशियो मैं बता रहा हूँ, ये कई जगह काम आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई भी वैल्यू लिखिए, अगर उसके साथ में ये चीज लगी हुई है तो इसको आप नीचे रख करके काट सकते हैं, और काट के उसको छोटे फॉर्म में करके रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो क्वेश्चन में कहा जाता है ये वही वैल्यू होती है, ये आप समझ लीजिएगा। बस ये वैल्यू चेंज कब होती है, क्वेश्चन के अनुसार ही, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। और ये आपको क्लियर तभी होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस चीज को आप रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं रेशियो में, तो कैसे बदलेंगे भाई? कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको समझना होता है। चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो आपको आगे और चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन यही चीज जो मैं भी आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये चीज आपको नहीं पता होती है तो आगे आपको चीजें और कठिन होने लगती हैं। तो ये चीज आप भले ही आगे आप ना पढ़िए सही से, लेकिन यहाँ पर आपको सही समझना है, क्योंकि अगर आप यहाँ सही से समझ लेंगे तो आगे की क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे। अब देखिए, इसको ऐसे काट दीजिए, एक बार गया, ये दो बार गया, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 1:20, ये 20 आ जाएगा, ठीक है, 1:20 आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है, स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए अब लिखा हुआ है 20%, इसको आप कैसे करेंगे? तो 20% को लिखने का जो तरीका होगा वो आप ऐसे लिखेंगे, अगर बोला जाए कि रेशियो के फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 20 एकम 20, 20 25 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1:5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही कोई भी वैल्यू अगर दी हुई है, मान लीजिए 25 दी हुई है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 100, एक बार जाएगा यहाँ पर, चार बार जाएगा, तो आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, चीजें समझ में भी आएंगी। प्लीज आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ये आपको आने चाहिए, जो मैंने अभी 100% की जो है आपको, बस एक चीज याद रखिए, आप ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये भी नहीं याद रखेंगे तब भी चल जाएगा आपका, लेकिन आपको एक चीज तो याद रखना बहुत जरूरी है कि चीजें अपने आप में सभी 100% होती हैं, जितनी उसके लिए, उसके काम के लिए रिक्वायरमेंट है उसको, अगर उतनी चीजें हैं उसमें तो वो 100% है, ठीक है। अगर कुछ भी कम है तो 100% नहीं है। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताता हूँ इसमें, इसी वीडियो में हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे, और जब इसके संबंध में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर और डिटेल्स हम लोग समझेंगे, लेकिन इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, जानकारी होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए जैसे बहुत सारे आपने परसेंटेज के क्वेश्चन देखे होंगे, और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नए नहीं हैं, कुछ टाइम हो गया है, 2-4 महीने हो गया है आपको तैयारी करते हुए, तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने और आप परेशान हो चुके होंगे, तो आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, बाकी जो है जो आगे हम लोग इसके क्वेश्चन से संबंधित करेंगे फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए कैसे करना होता है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें दे दिया गया होता है कि मान लीजिए 12 से ही 1/2% दे दिया। अब अगर ये चीज़ दे दिया गया है क्वेश्चन में कि ये किसी वैल्यू के इतना परसेंट है तो आप इतना परसेंट बताइए, या कुछ और दे दिया गया है, तो कैसे करेंगे? करना क्या होता है, इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें प्लस कर देते हैं, तो 12 × 24 से 25/2 आ जाता है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है, ये परसेंटेज जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हमेशा नीचे आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे 5% लिखा हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, ये तरीका होता है ये, ठीक है, परसेंटेज में। अब यहाँ पर परसेंटेज में जो वैल्यू होती है, जो परसेंटेज में सिंबल दिया हुआ है, ये हमेशा नीचे आता है। अब इसको कैसे करेंगे आप, 25 यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 25 × 24 100 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ऊपर बचा है 1, नीचे 8 हो जाएगा, तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू थी ये इसमें आ जाएगी,
जो है इस तरीके से, ठीक है, जो इस तरीके की वैल्यू थी यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ था, अब वो इतने अच्छे फॉर्म में आ गई है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के घबरा रहे थे, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसको आपने देखिए कैसे तोड़ दिया, 1/8 हो गया, ये मेन वैल्यू हो जाएगी। जो भी उस चीज़ पे बढ़ रहा होगा 1%, जो चीज़ बढ़ रहा है जो या घट रहा है जो बताया जा रहा है, वो ये वैल्यू हो जाएगी। अगर बोल रहा है कि उसमें से इतना परसेंट बढ़ रहा है तो ये चीज़ इसमें जुड़ जाएगा। अगर बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ है वो घट रही है इतना परसेंट घट रही है, तो ये वाली वैल्यू इसमें से घट जाएगी, मतलब 1/8 हो गया। और अच्छे से समझ लेते हैं, मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन में है ऐसा भी दे देगा, अगर मान लीजिए दे दिया गया आपको कि यहाँ पर 33 सही 1/3 दे दिया गया, तो इसको कैसे आप करेंगे? इसको भी वैसे आपको उसी फॉर्म में आपको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसको करेंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 33 यानी 99, 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ नीचे ये 3 आ जाएगा, और 3 के साथ में ये 100 की जो परसेंट का जो सिंबल है यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 100 हो गया और नीचे 300 हो जाएगा, 300 हो गया, ये 0 0 काट दीजिए, अर्थात कि जो इसकी वैल्यू थी आप उसको चाहे ये लिखें और चाहे आप उसको 1/3 लिख दें, क्योंकि ये देखिए इसको आपने काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना होता है। चलिए एक और मैं देख लेता हूँ उदाहरण, जैसे मान लीजिए 50 सॉरी ये 25% लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? तो आपको लिखना है 25/100 लिखेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से काट देंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1/4 आएगी। 20% अगर करेंगे आप तो 20 का भी देख लीजिए, 20/100 लिखना होता है क्योंकि ये हमेशा नीचे आता है, इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 5, यानी कि ये 5 हो जाएगा। अच्छा, इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो है इस तरीके से आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी बेसिक है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बस इतना हुआ, इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अभी यही बेसिक है, परसेंटेज का यही बेसिक है, यही नहीं पता होता जिसको, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, और लास्ट में कहता है मेरी तो मैथ बहुत वीक है। जबकि मैं सही बता रहा हूँ, जो सिलेक्शन होते हैं वो 70% बच्चों के सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सही होता है, पता होता है। तो अब देखिए, मैं आपको अब क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन आएगा, ये देखिए आ गया है, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है। अगर 45 अंक का जो पेपर हो रहा है वो 45 अंकों का है अगर, तो उनका बताइए कि कितने अंक लाने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप अपने विद्यालय जा रहे हैं, कोई आपका पेपर हो रहा है, आपसे बोला गया कि भाई जो पेपर आप देने जा रहे हो उसमें वो टोटल जो है 45 नंबर का है। ठीक है, आपसे बोला गया कि जो आप पेपर देने जा रहे हो 45 नंबर का है, लेकिन आपको 38% नंबर ही लाना जरूरी होगा। आपने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो आपने क्या किया, आपने पहले अपने कैलकुलेशन शुरू कर दिया कि भाई अगर 38% नंबर जो है हमको लाने हैं और 45 अंक का हमारा पेपर है, कैसे करूं कि हमारे कितने नंबर आएंगे, ये सब आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो आपके दिमाग में आता है, एक काम करते हैं भाई, पहले ये निकाल लेते हैं कि 45 नंबर का पेपर है मेरा, तो मैं अगर 38% उसका निकाल लेता हूं तो ये मुझे पता चल जाएगा कि कितने नंबर मुझे पास करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप जनरली करते हैं क्या है, आपने तुरंत जो है 45 लिखा इंटू 48 सॉरी 38 लिखा, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए यही होता है, इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, 100 हमेशा नीचे आता है, यहाँ करेंगे आप 2 5 10 कर देंगे, इसको भी काट दीजिए, दो इसको काट दिया आपने, ये 5, इसको 2 5 10 हो गया, 2 0 हो गया, 2 1 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, यहाँ ये आ गया अब 45 × 19/50। ठीक है, अब यहाँ भी काट दीजिए आप, 5 ये 10 से कट जाएगा, ये 9। ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, अब मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका मल्टीप्लाई करने का। होता क्या है, चीजें
आप कर लेंगे, जो चीज आएगी जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा या कुछ भी होगा आप कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि आपको जो कैलकुलेशन करना होता है आपके ब्रेन पे जो है कम ताकत पड़े, ताकत कम पड़ेगी, अगर आपको कम सोचना पड़ेगा तो उतने ही देर तक वो चलेगा, उतना ज्यादा जो है उतनी जल्दी थकेगा नहीं। तो देखो लगाने, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना होता है, देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है 19 × 9 से करना है और आपको भाग देना है 10 से। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना होता है, देखिए एक न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक है। वहां पर क्या था, वहां पर था 19 का जो है मल्टीप्लाई करना था 9 से और डिवाइड करना था 10 से। देखिए ये जो ये 19 है कितने कैसे बना है, यानी कि ये बना होगा 10 और +9 से, ऐसे ही तो बना होगा। वह एक काम करिए, इस 9 का पहले मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये 9 × 10 = 90 हो गया। अब इसी 9 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, ये 81 हो जाएगा, हो गया। अब जोड़ दीजिए, 1 × 9 = 70 है, हो गया। आप समझ, आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है मुझे यही आपसे कि आप ये समझ पा रहे हो मैं जैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये तरीका देख लीजिए आप, ठीक है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। बस ये है कि एक जो दो पहली संख्या है, कोई भी संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करें दूसरे से पूरी होनी चाहिए मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9 था तो 9 से मैंने पूरे में किया, पहले 10 में 9 से कर दिया फिर 9 से कर दिया। यहाँ अगर 25 होता, यहाँ पर अगर इस जगह पे 25 होता तो 25 से पहले 10 में करते फिर 25 से 9 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर ये देखिए 171 आ गया। अब जो है जब 171 आ गया, अब मैं चलता हूँ स्टार्टिंग वाले पेज पर, ठीक है। हाँ ये देखिए, ठीक है, अब वहां पर कितना आया था, 171 आ गया था। अब भाई 10 से इसको भाग दे दीजिए, तो एक जितने जीरो हैं इसका मतलब होगा उतने हमें पॉइंट ऊपर लगाने हैं। अब यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 17.0 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 17 जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17 इतना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर जाएगा, ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात जो है वो 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए हो जाती है। 100 रुपए बढ़ाई जाती है, ठीक है, मैंने मान लिया 100 रुपए की वस्तु है, कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, ये 10% बढ़ा दी जा रही। अगर आप, मैंने अभी कहा था 10% निकालने के लिए आप जो जितना परसेंट बोल रहा है, जो बोल रहा है वो वैल्यू ऊपर रहेगी, 100 नीचे जाएगा, इसको आप काट दीजिए। मैं अभी अगर मैं जैसे सब टीचर पढ़ाते हैं, अगर वैसे मैं पढ़ाऊं तब तक मेरा कैलकुलेशन पूरा हो गया होता, मैं आगे बढ़ गया होता। लेकिन मैंने आपसे बोला हुआ है मैं आपको क्वालिटी दूंगा, क्वांटिटी की कोई गारंटी नहीं मेरी, ठीक है, दूंगा क्वांटिटी भी लेकिन समय आने पर दूंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इससे इसे काट दीजिए आप, 10 बार जाएगा, इसके इसको काट दीजिए, 10 बार जाएगा, इसको 10 से काट, यहाँ 10 बार गया, ठीक है, इस जगह पे। जब आपने इससे काटा इसको 10 बार गया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ 10 बचा तो इस 10 से इसको काट दिया आपने, तो ये भी जो है 10 बार चला गया, ठीक। अब आपको पता हो गया कि जब पहली बार बढ़ा तो 10 रुपए बढ़ा, यानी कि पहली बार 10% बढ़ा तो 10 रुपए बढ़ा। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए बढ़ गया तो 110 हो गया, ये आपको पता हो गया। अब कहा जा रहा है उसके बाद फिर एक बार तो बढ़ गया 10%, ये देखिए 10 रुपए हो गया, दूसरी बार फिर बोला जा रहा है कि फिर 10% बढ़ा, यानी कि 110 का फिर 10%, ठीक है। यहाँ 100 आएगा, ये से कट जाएगा 2 0, इसका 11 रुपए, यानी कि पहली बार 10 रुपए बढ़ा था, अब फिर 11 रुपए और बढ़ गया, 11 रुपए जब फिर और बढ़ गया तो अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, टोटल आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ, टोटल 121 रुपए हो गया। भाई 100 रुपए था यहाँ पे, जब जब इसमें 10% बढ़ा फिर 10% बढ़ा तो 121 रुपए हो गया। अब बढ़ा कितना, 21 रुपए ही तो बढ़ा, ये वाली वैल्यू बढ़ी नहीं कि 21 रुपए बढ़ गया। समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है आप कमेंट करिएगा, प्लीज कमेंट करिएगा आप। और वीडियो को अगर पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप चाहते तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 110 का आपने निकाला, 11 रुपये यहाँ आ गया और 10 रुपये यहाँ आ गया,
आया था। इनको अगर दोनों को आप जोड़ते बहुत तो इसमें जो है समझ में नहीं आएगा ना, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए पहले यहाँ पर 10 रुपये आया था, इसमें आपने जब निकाला तो 11 रुपये आया, तो अगर चाहते आप तो यहाँ से भी जोड़ देते तब भी आपका 21 रुपये आ जाता, ये देखिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, बेसिक बेसिक आपको मैं बताऊंगा तो आप ये सब चीजें बाद में अपने आप करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तभी आप सोचिए कोई भी टीचर बनता है तो ऐसे नहीं बनता वो पहले उसका बेसिक सभी जो है जितने भी बेसिक्स होते हैं उसका सब जो है जानकारी उसको होती है, तभी वो जो है टीचर बन पाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे कर दीजिए, सेम वैसे करना जैसे बोला जा रहा है। लड़कों का, ये बॉयज है, इनका 10%, 10/100। अब कहा जा रहा है कि संख्या के 1/4 के बराबर है लड़कियों की संख्या की, ये देखिए लड़कियों के, यानी कि बराबर होगा ये गर्ल के 1/4 के। अब क्या हो सकता है इसमें, अब ये हो सकता है कि ये जी इधर आएगा, यानी कि ये जी इधर आएगा तो बी बटे जी हो जाएगा, और ये जो है ऊपर जाएगा और ये जो है नीचे आएगा। हमेशा इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, ऐसा गुणा होता है तो इसे बोलते हैं त्रियक गुणा, ये होता है ऐसा। अगर बराबर की उधर वैल्यू है तो जैसे मैंने किया ऐसे ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, ये 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, ये 10 नीचे जाएगा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। काट दीजिए आप, ये काट दिया आपने, ये काट दिया, ये 2 5 10 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। यानी कि जो बॉय आया और ये गर्ल है तो बॉय जो है वो 5, तो इनका रेशियो 2, यानी कि बॉय और गर्ल का जो रेशियो आएगा 5:2 आ जाएगा, यानी कि इसमें आंसर नंबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं, दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, मतलब बालों को जो है यूज में जो सामान है, जैसे कुछ जो भी लेडीज यूज करती हैं, जेंट्स यूज करते हैं, कंघा वगैरह हो गया, उस सामान के लिए बोला जा रहा है कि 50% बिक्री होती है, और 40% बिक्री बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री जो है 15 लाख होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू, ये 3 महीने की दी हुई है ना, टोटल वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू और इस वैल्यू से जितनी भी बिक्री हो रही है वो 3 महीने में इतनी हो रही है। परसेंट में तो यहाँ इतना बोल रहा है, लेकिन वो जो रुपए में बोल रहा है वो 3 महीने में इतना बोल रहा है। तो भाई अगर मैं एक महीने का निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 30 को भाग दे सकता हूँ, तो 30 से अगर मैं भाग दे दूंगा तो ये 5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये 5 लाख, ये 0 साइड में होता है, जगह नहीं इसलिए लिख दिया मैंने, तो 5 लाख हो जाता। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कि जो अब ये 1 महीने का आ गया, 1 महीने का टोटल खर्च आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है खर्च, यहाँ पूछ क्या रहा है, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी है। भाई औसत बिक्री देख लीजिए, 40% यहाँ बोला गया तो 50, ये जो है 5 लाख का 40% निकाल दीजिए। अच्छा हाँ, मैंने एक तरीका और आपको बताना, मैं भूल गया था, मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत ध्यान समझिएगा आप। ठीक है, मैं इसको जो है थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है और ये भी आपको पसंद आएगा। देखिए मैं आपको उसको विस्तार से समझा देता हूँ कि कैसे आप किसी संख्या का विद इन सेकेंड जो है आप 1% 10% कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, कोई भी संख्या दी हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल से मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ध्यान दीजिएगा। ये परसेंटेज होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है 100। जब आप कोई परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मान लीजिए किसी संख्या का 38% लिखा हुआ है निकालना है आपको, अगर आपको 38% निकालना है तो करना क्या होता है मोस्टली, आपको ये जो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा
पहले पढ़ चुके हैं अभी आप कि 45 का 38% निकालना था। तो वहाँ करना क्या होता है, ये 38 हो गया, ठीक है, 45 मल्टीप्लाइड बाई 38 हो जाएगा। उसके बाद में ये जो चीज़ है ये हमेशा नीचे आता है, ठीक है, ये नीचे आता है हमेशा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको आप जो है किसी भी संख्या का जो है बहुत जल्दी से जल्द आप 10% 1% कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसमें दो जीरो होता है ना, ये 100% में इसमें यहाँ पर देखिए एक ये हो गया एक ये हो गया, दो जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो जीरो हो गया, कोई नहीं दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, मान लीजिए एक संख्या दी हुई है, वो संख्या है इतनी बड़ी संख्या दी है। अब किसी ने आपसे पूछ लिया इस संख्या का आप 10% बताएं, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि ये होता है 100% हमेशा, हर कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है। ये जो है ये चीज़ दिया हुआ है, तो आप याद करने के लिए एक तरीका आप देख सकते हैं कि ये एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, ठीक है। तो एक जीरो ये हो गया, अगर आप एक जीरो के पहले दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पर आपने अगर मान लीजिए पॉइंट लगा दिया, तो ये जो 10 बचा है इसका मतलब ये बची हुई अब ये संख्याएं पूरी 10% हो गई है। अगर आपने जिधर से इकाई दहाई आप गिनते हैं उस साइड से यूनिट वाली जो ये लास्ट वाला है यहाँ से, इसके पहले यदि आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो आप संख्याएं हैं ये 10% हो गई हैं। और अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर अगर यहाँ पर एक जीरो का मतलब हमने एक पॉइंट लगाया तो दो जीरो है, अगर दो दो अंक छोड़ के मैं लगा दूंगा तो क्या ये 1% हो जाएगी? जी हाँ बिल्कुल 1% हो जाएगी, बहुत अच्छा आपने सोचा। देखिए अब यहाँ पर आपने देखा था कि दो जीरो है, एक जीरो की आपने अगर यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव लगाया तो ये अपने आप में 10% बची संख्या हो गई। और अगर आप यही दोनों जीरो यानी कि यहाँ पर अगर पॉइंट लगा देते आप तो ये संख्या अपने आप की 1% हो गई। अब कोई भी चीज़ पूछा हो, मानो 10% पूछा था इतना था, अगर यही चीज़ अगर यहीं पर 20% पूछा होता इसी वैल्यू का तो आप क्या करते हैं? ये 20 जो है भाई आपको तो पता चल गया, देखिए आपको पता चल गया कि ये जो है यहाँ तक तो ये पूरा अब 10 हो गया, 10% 20% पूछा है तो दो बार गुणा करा दीजिए भाई, एक एक बार 10 हो गया तो दो बार गुणा कराएंगे तो जो है 20% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना होता है, ये बहुत अच्छा तरीका है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इस तरीके से निकालने का ये प्रोसीजर होता है और बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कितना आया था, 5 लाख आ गया था, ये देखिए यहाँ पर 5 लाख आ गया, ठीक है। अब जब 5 लाख आ गया तो इसका आपको 40% निकालना, आपको तरीका मैं बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू लिखी, मान ली 100 लिखा है, अगर बोला जाएगा इसका 10% निकालिए तो आप यहाँ पर एक जीरो के पहले मतलब एक अंक के पहले जैसे ही आप दशमलव लगाएंगे बची हुई वैल्यू 10% हो जाएगी, ये 10% हो गई। अब मैं बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका 10% बताइए, 10% निकालना हो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले अंक से एक अंक पहले एक दशमलव लगा दीजिए, बस ये पूरी वैल्यू अब 10% हो गई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब जो है अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि 5 लाख का 40% निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक जो है जीरो के पहले यानी कि ये अंक समझ लीजिए, तो एक जीरो के पहले आप दशमलव लगाएंगे तो 10% ये वैल्यू बचेगी, ये वाली वैल्यू, ये 50,000 बचेगी, ठीक है। अब जब ये 10 वैल्यू हो गई यानी कि 10 के बराबर हो गई है, 10% हो गई, तो वहां 40% पूछ रहा है, इसका 4 गुना पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, आप बताइए, 4 ही गुना तो पूछ रहा है। तो आप अगर 4 से इस मल्टीप्लाई कर दें इतने को, केवल 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 40% आ जाएगा। तरीका समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आप कमेंट करते हैं तो उससे मेरे को जो है एक प्रकार से एनर्जी मिलती है और अच्छे से पढ़ाने की, तो ये जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मैंने क्या किया, जब आपने या मैंने वो यहाँ पर
दशमलव लगा दिया तो जो बची हुई संख्या थी वो 5000 थी। 5000 कितना बचा, वो 10% था, 40% था, यानी कि 10 का 4 गुना था कि नहीं था। तो जब 10 का 4 गुना था तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 लाख आ गया, हो गया आंसर आ गया आपका। इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका तो आपको पता ही होगा, बेसिक तरीका है। यहाँ पर 5 लाख लिखेंगे, इंटू 40 लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, काट पीट देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, काटने पे आपका यही आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो मैं तो ऐसे करता हूँ, और मैंने ऐसे सीखा हुआ, ये इसी तरीके से करता हूँ। ठीक है, कोई भी वैल्यू आसानी से आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है? देखिए यहाँ संख्या बोला जा रहा है, आप कोई भी वस्तु मान लीजिए, कोई वस्तु है वो 32% ही बची है, मतलब बाकी उसका तोड़ फोड़ दिया। मान लो एक टेबल है, उसकी या तो उसका पैर तोड़ दिया गया या कुछ कर दिया गया, ठीक है, पाया उसका तोड़ दिया, कुछ भी किया गया, उसका जो बचा भाग है वो 32% ही बचा है। तो जो 32% है वो 32% की वैल्यू कितनी दे रहा है? 32/100 की वैल्यू वो 56 दे रहा है। लेकिन वो पूछ रहा है कि कितना आएगा, आप 100% निकालिए, 100% कितना होना चाहिए था। तो इसीलिए 100, इसीलिए जो मैंने अभी बताया था आपको, 100% इसीलिए जो है माना गया था कि जो है अगर कोई चीज है तो कुछ भाग अगर बचा है तो मैं उसको पूरा निकाल सकूं, इसीलिए ऐसा किया गया था। तो देखिए अब ये अब जो है इसके बराबर ये आ गया है, तो यहाँ से आसान तरीका कुछ नहीं करना, ये 100 ऊपर ले आइए यहाँ पर, और यहाँ पर 32 ले जाइए, अभी 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 32% की वैल्यू 56 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 2 6 12, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, और यहाँ 25 आ जाएगा, और ये जो है 8 7 56 हो जाएगा, और अब इसका इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 175 आ जाएगा। ठीक है, 32% की वैल्यू 56 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? अब ये देख सकते हैं, मैंने जिस तरीके इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए? देखिए आप मान लीजिए, आपको एक कॉन्सेप्ट इसके लिए समझना होगा। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, वहां पर आप 10 रुपए किलो 5 किलो चीनी लेकर के आते हैं। अब अगर आपसे घर में पूछा जाए कि ये बताइए टोटल आपने कितने की चीनी खरीदी, तो आप क्या करेंगे? वस्तु यानी कि जितना आपका कंजम्पशन है 5 किलो, और जिस हिसाब से लेके आए हो 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए से आप जब गुणा करेंगे 5 केजी को, तभी तो आप टोटल पैसा अपने घर वालों को बता पाएंगे। मान लीजिए आप मार्केट गए, 10 रुपए, 10 रुपए किलो जो है, 10 रुपए किलो के हिसाब से आप 5 किलो चीनी लेकर के आए, ये आपका कंजम्पशन है, ये आपकी प्राइस है। अब आपके मम्मी ने आपसे पूछ लिया, आप ये बताइए बेटा या बेटी कि ये जो चीनी लेके आए हैं आप या आए हो आप, कितने रुपए की टोटल लेके आए हो? तो आप इन्हीं दोनों का तो मल्टीप्लाई आपस में करोगे, तभी तो बताओगे कि माता जी 50 रुपए का हुआ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो अभी मैंने बताया। ठीक, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको इरेज कर दें फिर देखता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी मैंने आपको रेशियो भी बनाना बताया था, यहाँ पर रेशियो मेथड से हम लोग करेंगे। ठीक, यहाँ कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। देखिए 25 को आप रेशियो में सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, 25 एकम 25 2400 हो गया। यहाँ पर लिखिए प्राइस, और यहाँ पर लिखिए कंजम्पशन, यानी कि वस्तु का रेट जो है, जैसे चीनी थी 5 किलो, तो ये हो गया चीनी वाला जगह, और ये प्राइस जहाँ 10 रुपये था ये वाला। तो 4 रुपये का सामान पहले लाते थे, ठीक है, आप सामान कितने का ला रहे हैं? 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 4 रुपये का सामान था उस पर 1 रुपये की वृद्धि हो गई। ध्यान रखिएगा रेशियो में नीचे वाली वैल्यू एक्चुअल होती है, ऊपर वाली वैल्यू अगर बोल रहा है कि वृद्धि हो रही है तो इसमें जोड़ दिया जाता है, और बोला जा रहा अगर कि घटाया जा रहा है, घट रहा है इतने परसेंट, तो ऊपर वाली वैल्यू इसमें से
माइनस कर दी जाती है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ बढ़ रहा है, तो पहले 4 रुपए का लाते थे, अब ला रहे हैं 5 रुपए का। अगर ये चीज घट रहा होता तो पहले जो है 4 रुपए का लाते थे, अब लाएंगे 3 रुपए का। ये मैंने बता दिया आपको कि ये भी कॉन्सेप्ट चलता है। अगर घट रहा होता तो इस तरीके से रेशियो बनता, पहले 4 रुपए का लाते थे, अब 1 रुपए कम हो गया तो 3 रुपए का लाने लगे। ठीक है, इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ मैं। देखिए अब क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है कि कंजम्पशन क्या कर रहा है कि बढ़ाना चाह रहा है, ये 20% बढ़ाना चाह रहा है। अब अगर मैं इसको रेशियो में बनाता हूँ तो इसका जो रेशियो बनेगा 20 एकम 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 बन जाएगा। ठीक है, जब 1/5 ये बन गया तो आपको पता है कि पहले सामान सामान कितना लाते थे, ये 5 किलो, अभी कितना लाएंगे, 6 किलो लाएंगे, यही तो करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप मार्केट जब चीनी लेकर के आए, 5 किलो चीनी लेकर के आए 10 रुपए के हिसाब से, तो आपने क्या किया था, क्वांटिटी यानी कि जो लेके आए थे आप वस्तु चीनी और रुपए से मल्टीप्लाई किया तभी टोटल वैल्यू आई थी। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो रुपए है ये ऊपर लिखा है प्राइस, और जो वस्तु है ये नीचे लिखी है। तो अगर आप इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये है और ये है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला आ जाएगा ना 20 आ जाएगा, पहले वो इसी हिसाब से तो लाता था। अब बाद में क्या हो गया, जब चेंजमेंट आया, जब बढ़ गई परसेंट के हिसाब से बढ़ा दिया गया, तो 30 रुपए का होने लगा भाई। तो अब इसमें ये बताइए, इसमें पूछा क्या जा रहा है, कितने प्रतिशत वो खर्च को बढ़ा दे या घटा दे। तो पहले 20 रुपए का लाता था, अब 30 रुपए का पड़ने लगा, तो भैया बढ़ा कितना, 10 रुपए बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 20 पे। हमेशा एक्चुअल वैल्यू पर ही निकाला जाता है, ठीक है, परसेंटेज जो होता है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे निकाला जाता है। पहले आपका कंजम्पशन, आपका जो खर्च था, पहले जो आपका खर्च था वो 20 रुपए था, अब 30 रुपए हो गया, बढ़ कितना गया, 10 रुपए। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करूंगा, फिर आगे मैं बताऊंगा। देखिए, पहले ये प्राइस हो जाएगी, पहले 5 था, सॉरी ये यहाँ पर शायद 4 था, 5, हाँ 4 हो जाएगी, 4 था ये 5 बढ़ने के बाद, और ये कंजम्पशन था, तो ये पहले कितना था, ये पहले 5 था, बाद में 6 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कंजम्पशन और प्राइस से, तो यहाँ 30 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कंजम्पशन और प्राइस से जो पहले लाते थे आप, तो 20 हो जाएगा। पहले आप 20 रुपए का सामान लाते थे, अब 30 रुपए हो गया, यानी कि 10 रुपए जो है वो बढ़ गया है। कितने भी बढ़ गया है, परसेंटेज निकालने के लिए जो वैल्यू घटी या बढ़ी वो ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई में 100 लिखते हैं, और नीचे एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं। तो 20 नीचे हो जाएगा, 20 इससे कट जाएगा, 5 बार जाएगा, इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो वृद्धि आएगी वो 5% की आएगी, क्योंकि यहाँ देखिए वृद्धि हो रही है, 20 से 30 हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही, तो ये वृद्धि ही माना जाएगा इसको। ठीक, तो ये 50% इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको, कमेंट जरूर करिएगा। कहीं भी कोई भी शिकायत है अगर आपको, तो बिल्कुल आप करिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 100% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कत कोई नहीं आएगी, मैं बताऊंगा आपको पूरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक कार्यालय है, वहां पर इतने लोग हैं, मतलब 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 लोग, इन 100 लोग में से 40% तो महिला कर्मचारी है। 40% अगर 100 का निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 40 महिलाएं हैं जो फीमेल हैं वो 40 है। उम्मीद है कि आप इसका 40% निकाल लेंगे। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। 40% यहाँ पर 100, फिर इंटू में 40 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा, 40 बचेगा। ठीक है, तो आप देखिए, आप होता क्या है कि फीमेल, तो जो फीमेल आती हैं वो 40 आ जाती हैं,
तो आप देखिए टोटल कार्यालय में आप व्यक्ति थे कितने, 100 व्यक्ति थे। अब बच्चे कितने भाई, 40 तो महिला आपको पता होगी ना, इसमें से पता होगी 40 महिला है, ये देखिए 40 महिला। तो अब जो बच्चे होंगे वो मेल बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे, 60 बच्चे होंगे ना, ये तो बचा होगा। ठीक है, आपको बेसिक समझना है, बेसिक आना चाहिए, बेसिक आएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप लगा देंगे। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझा के कराऊंगा, और जिसमें मुझे सिर्फ आपको क्वांटिटी देनी होगी मैं उसमें सीधा कराते चला जाऊंगा, ऐसे बात करते चला जाऊंगा बस। ठीक है, इसमें देखिए अब कहा जा रहा है कि उनमें से देखिए 40% महिला थी, हमने निकाल ली, 40 महिला हो गए, 60 पुरुष हो गए। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। उनमें से 40% यानी कि महिला महिला जो कर्मचारी, उनमें से 40% महिलाओं ने, ये देखिए महिलाओं ने, और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। अर्थात कि जो महिला 40 महिला थी, उनकी 40% महिलाओं ने, 100 से ये कट जाएगा, तो 16 महिलाओं ने इनके पक्ष में वोटिंग की। ठीक है भाई, की अच्छी बात है। उसके बाद में क्या हुआ कि 60% पुरुषों ने भी जो है उनके पक्ष में वोटिंग कर दिया। पुरुष थे कितने, 60, 60 का 60% आप निकालेंगे तो यहाँ से यूं करके यहाँ से काट देंगे आप, 2 0 2 0 कट जाएगा, तो ये 36 आ जाएगा। हालांकि आप ऐसे भी निकाल सकते थे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 60% आपको निकालना था, तो ये 60 था, मैंने कहा था ना कि आपको अगर 10% निकालना है तो एक अंक के पहले इकाई की साइड से, जहां से इकाई दहाई गिनते हैं उस साइड से एक अंक पहले अगर आप दशमलव लगाते हैं तो 10% वैल्यू ही बचती है। तो अगर 60% पूछ रहा था तो ये यहाँ से इसको आप जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6 दशमलव 10 गुना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, और ये 10% बचा है ना, तो 10% ये 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब ये 6 गुना हो जाएगा तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 10% की वैल्यू है और ये 60% बची है। तो जब 1 6 10 1 6 जो है वो 10% के बराबर है, तो 2 6 12% के, 3 6, तो इसी तरीके से करते करते आप करेंगे तो 6 6 जो हो जाएगा तो वो 36 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा स्वयं से भी, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब हुआ क्या भाई, इनका 40% आपने निकाला तो ये तो आ गया 16, और जब आपने इसका 40 इसका जो है आपने 60% निकाला तो ये 36 आ गया। अब इस व्यक्ति को जिसने कहा था कि मेरे को जो वोट मिला है वो 60% और 40% मिला है, महिलाओं का 40% और पुरुषों का 60%, तो उसको मिला कितना वोट है, अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें तो ये 42 आ जाएगा। 42 नहीं, एक मिनट देखते कितना आता है, जोड़ लेते हैं, 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 हो जाएगा, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 52 मिला। ठीक है, शायद परसेंटेज मैंने सही निकाला है कि नहीं निकाला, एक बार देख लेता हूँ। ये इससे हो जाएगा 40, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 16 हो जाएगा, ये भी सही है, और अगर 60 से करते हैं 2 36, ये भी सही है। इनको दोनों को आप जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति था जिसने बोला था मुझे इतना मेरे फेवर में इतनी वोटिंग हुई है, तो उसके फेवर में तो 52 वोट पड़े होंगे भाई। वोट थे कितने, यानी कि अगर 100 व्यक्ति हैं तो 100 ही वोट तो होंगे। तो अब पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत मत, तदनुसार मेरे मतों का कितना प्रतिशत रहा, मतलब उसको कितने परसेंट वोट मिले कह रहा है वो, तो भाई 52 वोट मिले। ठीक है, और मैंने बोला टोटल पे ही परसेंटेज निकाला जाएगा, तो टोटल वैल्यू नीचे आ जाएगी, काट दीजिए यहाँ से 100 100 कट गया, तो 52% आ गया। ठीक है, ये 52% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया था। ठीक है, देखिए भाई पहले लड़कियां थी कितनी, 38, उसमें से 3 नहीं आई। ठीक है, 3 नहीं आई तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, बची कितनी है, 35 ही तो बची होंगी। ठीक है, ये अपने क्लास की आप बात ले लीजिए, आपके क्लास में 38 बच्चे थे, 38 में से 3 बच्चे नहीं आए तो 35 ही तो बचे होंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, भाई इतनी ही तो बची होंगी, तो इनकी जो 20% थी
इनकी जो 20%, ठीक है 10% इतना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा 10%, तो ये 20% निकालना है। तो 10 का 2 बार खाए तो उसको 2 से गुणा करा दीजिए, 2 5 10 1 और 2 3 6 7, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये 0 हट जाएगा, 7 आएगा। यानी कि 7 लड़कियों ने गृह कार्य भी नहीं किया होगा, यानी कि 35 में से अगर आप 7 माइनस कर देंगे तो टोटल जो लड़कियां हैं वो सॉरी जो इसके बाद जो लड़कियां बचेंगी उन्होंने तो ही पूरा किया होगा गृह कार्य, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है आपको जैसे 10% का जो मेथड बता रहा हूँ समझ में कम आ रहा है, तो आप खुद से लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ 10% वाला लॉजिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये 35 की वैल्यू थी, आपसे बोला गया इसका 10% निकालिए, ठीक है। देखिए 10% में बता देता हूँ, ये 10% बोला गया, ये ऐसे तो लिखेंगे आप 10%, 1 0 से 1 0 काट देंगे, नीचे 1 ही 0 तो बचा, अब यहाँ लगा देंगे, देखिए 10% बचा नहीं, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 10% तो बची है वैल्यू, वही मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। देखिए सबसे पहले जैसे बोला जा रहा है वैसे ही करते जाइए आप, यहाँ 1200 का 5/8 हो जाएगा, इससे काट दीजिए, 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 300 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 1 2 5 10 हो जाएगा, 150 आ जाएगा। इसका इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0 आएगा, 5 आएगा, और 5 1 5 2 7 आएगा, 750 आएगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 750 का 74%, देखिए ये बोला गया, ये देखिए यहाँ पर ये 74%, ठीक है। तो अब जब 74% हमको निकालना है तो हमें पता चल गया कि जो 5/1200 का जो 5/8 वैल्यू आई है वो 750 आई है, ठीक है, ये 750 की वैल्यू है। अब इसी का तो 74% निकालना है, निकाल दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, ये काट दीजिए यहाँ से, 2 3 6 2 7 14 और 2 5 10, और सॉरी एक मिनट इसको दोबारा से देखते हैं, देखिए 750 आ गया था ना, 750 आ गया ये। अब ये बोला जा रहा है 74% निकालना है इसका, तो यहाँ 100 लिख दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको 5 दोनों से काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 1 5 5 5 25 25 हो जाएगा, इसको 2 से 2 3 6 2 7 14। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 37 से 15 को। तो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, मैं फिर से बता रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा ताकत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी मैं बताता हूँ, देखिएगा इस पर एक बार और रेज कर लूँ, देखिए कैसे बताना है। देखिए होता क्या है कि जो 37 है ये 37 किससे बना हुआ है, ये 37 बना है 30 और प्लस 7 से, मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो पहले इस 15 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 450 आ जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, और 1 0 लगा दीजिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 7 105 हो जाएगा, 105 लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 5 फिर 5 फिर 5 आ गया, देखिए मल्टीप्लाई, कहीं ताकत पड़ी, कोई ताकत नहीं। अगर ऐसे करते 15 7 105 फिर 5 लिखेंगे, 10 बचेगा, फिर ऐसे करें तो ऐसे देखो कितना उलझन टाइप का फील हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे तरीके से मैथ लगाओ कि आपके जो है माइंड पे ज्यादा ताकत भी ना पड़े और आपके जो है क्वेश्चन वो सॉल्व भी हो जाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसका ये आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार आया है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको, और ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। वेन ड्राइव का अभी तो आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी एक समय ऐसा आएगा मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप भी कहोगे सर आपने बहुत अच्छा किया। ये वेन ड्राइव जो ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन हैं बहुत सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ आप, बस यही है कि आपको बेसिक आना चाहिए, अगर आप बेसिक नहीं आएगा आपको ना तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, आप उल्टे सीधे कमेंट करने चालू कर देंगे कि मुझे आता नहीं, आप सही पढ़ा नहीं पा रहे। मैं सही पढ़ा पाता हूँ लेकिन आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है, जानकारी बेसिक नहीं होती है, इसलिए आपको समझ में चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको स्वयं से भी करना है क्वेश्चन तभी ज्यादा समझ में आता है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, करते हैं क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी परीक्षा में 65%
छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र अनुत्तीर्ण हो, यानी कि 90 छात्र नहीं है। देखिए, हमको तो छात्र तो पता चल गया कि 90 छात्र नहीं है, लेकिन अगर हमें ऐसा पता चल जाए कि कितने परसेंट छात्र नहीं आए, तो भाई मैं 100% की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि 15% बराबर या 25% बराबर या 30% बराबर 90 की आ जाएगा, यही तो होगा। जो वैल्यू आएगी वो 90% के बराबर आ जाएगी, जो बची हुई वैल्यू होगी तो 100% निकाल देंगे। तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब इसमें होता क्या है, वेन डायग्राम बनाना होता है। वेन डायग्राम ये बनाएंगे आप और एक ये बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, जो 20 की वैल्यू बोला जा रहा है दोनों, ये देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों ही विषय में, मैं मानता हूं एक विषय ये हो गया सामाजिक विज्ञान और दूसरा विषय ये हो गया हिस्ट्री, से आप इतिहास इसमें लिखा गया बोलते हो, ये ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों में से 40% तो यही पास हो गए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं जिससे कि आपको भी सही से समझ में आ जाए, है ना। ये देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। जी लीजिए, मैंने छोटा कर दिया। अब देखिए क्या करता हूं मैं, ये देखिए, अब यहां पर ये जो 40% दिया हुआ, ये देखिए दोनों साइड से पास है, यानी दोनों विषय से पास है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये हो गया सामाजिक विज्ञान और ये हो गया इतिहास, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसमें जो 40% था, मतलब इसका भी 40%, इसका भी 40%, यानी कि आपस में 100% रहे होंगे, यानी कि 40% तो इसमें से निकल गया। लेकिन बोला जा रहा है कि इसमें से कुल 65% पास हुए हैं, तो 40 तो मुझे पता चल गया और 65 टोटल हैं। तो जब जो 40 पता चल गया है, तो इसमें से 40 हम माइनस कर देंगे तो हमें इतने के हिस्से के पता चल जाएगा, क्योंकि इतना हिस्सा तो 40 हो गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ 5 आ गए, यहाँ 2, अर्थात ये 25% हो जाएगा, ठीक है भाई। इस विषय में 25% यहाँ हो गए। उसके बाद में इतिहास में भी 60% था, तो मैं देख रहा हूँ कि इतिहास के 60% में से कुछ परसेंट में 40% तो यहाँ इन्होंने यहाँ कर ही लिया है, तो 40 में से बच्चे कितने होंगे, तो 20% ही तो बच्चे होंगे। अगर 40 से मैं 60 में से 40 माइनस कर दूंगा तो 20 ही बचे होंगे, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि टोटल कितना हो गया, ये 40 और 20 जोड़ूंगा तो 60 हो जाएगा, और 60 में जब मैं 25 जोड़ूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 85, ठीक है, 85 हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट रहे होंगे वो 100% रहे होंगे। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि कोई भी चीज़ होती है तो अपने आप में 100% होती है। तो उस क्लास में अगर 4 बच्चे भी थे तो अपने आप में 100% थे। अब यहाँ बता भी दिया गया है कि उसमें से लेकिन इतने ही परसेंट ऐसे हो गए, निकल गए या नहीं आए, तो समझो कि कुछ परसेंट नहीं आए हैं, तो 100% नहीं बचे हैं, वही इसमें कहा गया है। मुझे पता चल गया कि 85% जो छात्र थे वो आए थे, ठीक है। अब देखिए, आए थे कि उत्तीर्ण थे, ये पता चल गया मुझे कि उत्तीर्ण थे। अब मैं आपको इसको थोड़ा इरेज करके फिर से बता देता हूँ आगे, इसके आगे प्रोसीजर इसका क्या होगा। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अब मैं ये जो है, देखो आपको ये पता चल गया, ये डायग्राम, ये आपका 25 आ गया, ये 40% आ गया था, और यहाँ पर आ गया था आपका 20। जब इन तीनों को आपने जोड़ दिया, इनको, तो ये आ गया था 85, यानी कि ये पूरा 100% रहा होगा, ठीक। कितना 100% रहा होगा, इसमें से आपको पता चल गया 85% जो है वो उत्तीर्ण है। तो अगर 100% रहा होगा और आपको पता चल गया है कि 85% इसमें से पास हुए हैं, लेकिन तो आपको पता करना है कि फेल कितने हुए, तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि 15% ही फेल हुए हैं।
लेकिन जो हमारा जो मैंने निकाला वो 15% निकला, क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है, ठीक है, तो 15% बराबर 90 की हो जाएगा, तो 100% बराबर कितने की हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ चली आती है, ये नीचे आएगी, ठीक है, 15 से काटिए, 15 छक्का 90, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आ चुका है और इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर आंसर हो जाएगा, अरे एक मिनट रुकिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 600 ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस दोस्तों ठीक, आज इतना ही इस वीडियो के माध्यम से, मिलता हूँ मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस लेके, और बस दोस्तों आज इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीज़ें लेकर के और अच्छे कंटेंट के साथ। आशा करता हूँ आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ में, टेक इन्फो स्मार्ट के साथ में। नमस्कार।